हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हाउस एक्सप्लोरर। तो आज हम लेके आए हैं आपको ज्ञानखंड के अंदर एक लैविश 4 BHK, बट ये लैविश 4 BHK नहीं है, 3 BHK है, क्योंकि इसके अंदर जो स्पेस मैं बताने वाला हूँ सेमी स्पेस है 2000 स्क्वायर फीट के आसपास। बट आपको जो स्पेस के साथ में जो USP मिल रही है वो ये है कि इसमें ये एल शेप का ड्राइंग डाइनिंग आ जाता है। और आज मैं अकेला नहीं हूँ अपनी इस वीडियो के अंदर, यहाँ हमारे जो मित्र हैं राघव जी, जिन्हें आप जानते हैं बखूबी मुझसे ज़्यादा, तो ये आपको सारा इंटरव्यू बताएंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है, नाम तो आप जानते हैं क्या है, हाउस बिल्कुल। तो जैसे कि भाई ने बता दिया है कि जो प्रॉपर्टी हम देखेंगे एक्चुअली क्या है, इसका साइज़ तकरीबन 2000 स्क्वायर फीट आ जाता है। ये 3 BHK लेआउट में बनाया गया है। अगर आप चाहते हैं 4 BHK तो उसमें 4 BHK ऑप्शन में मिल जाएगा, लेकिन ये प्रॉपर एल शेप ड्राइंग डाइनिंग के साथ में ये 3 BHK मिलने वाला है। स्पेशियस होने वाला है, कॉर्नर की प्रॉपर्टी होने वाली है। आइए चलिए हम दोनों संदीप और मिलकर से एक्सप्लोर करते हैं, दिखाना स्टार्ट करते हैं। चलिए संदीप, पहले हम अगर हम बात करें तो जैसे कि इसमें जो फीचर्स आ रहे हैं, इसमें हमारी लिफ्ट पार्किंग आ रही है, राइट? बिल्कुल पार्किंग लिफ्ट। तो इसमें ये मैं साहिल से रिक्वेस्ट करूंगा जो कैमरा के पीछे है, एक बार ये एरिया दिखा दें। ये हो जाता है हमारा लिफ्ट सेक्शन, और यहाँ हमें देखने को मिल जाएगा हमारे वाइट स्टेयर्स आने वाले हैं, और प्रॉपर रोशनी आती है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि हाँ जी। तो चलिए संदीप बताएं कि क्या क्या इसके मेन USP होने वाला है। तो USP तो यही है, आज की डेट में कोई भी बायर अगर कुछ चीज़ अपने लिए परचेस करता है तो उसकी कनेक्टिविटी उसको क्लियर होनी चाहिए कि मैं कहाँ कोई प्रॉपर्टी ले रहा हूँ और मेरे को आसपास में क्या चीज़ मिलने वाली है। स्कूल हॉस्पिटल्स आपके नियर बाई है, अगर मेट्रो स्टेशन की बात करें तो यहाँ से ज़्यादा 1.5 किलोमीटर दूर के डिस्टेंस पे आपको वैशाली मेट्रो स्टेशन मिल जाता है। अगर हम इस प्रॉपर्टी की बात करें तो इस प्रॉपर्टी की खासियत ये है कि कॉर्नर की प्रॉपर्टी है, एल शेप की प्रॉपर्टी है, और सनलाइट वगैरह आपको प्रॉपर यहाँ मिल जाती है। अब आप इसका इस तरीके से एरिया देख रहे हैं, तो राघव जी एक बार एरिया को डिस्क्राइब करिए यहाँ पर थोड़ा सा। चलिए दोस्तों देखिए, एंट्री से हमें यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये आपका एल शेप में आपका पूरा ड्राइंग डाइनिंग एरिया होने वाला है। तो आप इसको यहाँ पर अपना ड्राइंग एरिया हो जाएगा, आपका बिग साइड देख सकते हैं, लिविंग रूम जो है आपका बिग साइड हो जाएगा। और यहाँ पर आपको यहाँ से एक्सेस मिल जाता है बालकनी के लिए, जो डोर दिख रहा है यहाँ से आप बालकनी जा सकते हैं, और यहाँ पर आपको देख सकते हैं ये विंडोज आ रही है प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए। ये बालकनी तो हम अभी आपको एक्सप्लोर कराएंगे ही, उससे पहले हम इस एरिया को अगर हम चेक करें तो देखिए साइज अच्छा मिलेगा। अगर आपके पास बिग साइज सोफा सेट्स है, काउचेस भी हैं, आराम से यहाँ प्लेस कर सकते हैं आप। ऐसे कुछ इसमें अगर हम टाइल्स की बात करते हैं दोस्तों, तो टाइल्स आपको सब डिजिटल विट्रीफाइड टाइल्स देखने को मिलते हैं, सब इटालियन फील में होने वाले हैं, तो देख सकते हैं अच्छा फील आएगा। फॉल सीलिंग के बारे में क्या कहोगे आप? फॉल सीलिंग बहुत लग्जरी करी हुई है, हर एक सेक्टर में इसमें जो फॉल सीलिंग का अलग डिजाइन दिया गया है ना, बखूबी बहुत खूबसूरत तरीके से निभाया गया है। आप अगर यहाँ देखें तो ये आपका जो है स्क्वायर में कंप्लीट किया हुआ है उन्होंने, और जो वॉर्म वाइट लाइट इसके अंदर प्लेस की गई है वो बहुत प्यारी लग रही है। अब अगर आप रेक्टेंगल के रूप में देखे जाए तो आप यहाँ पर देखिए आपका जो डाइनिंग स्पेस है, इस स्पेस में ड्राइंग डाइनिंग के अंदर आपको बखूबी 2 फैन बीच में आपका जो है सेंट्रल लगा हुआ है, जो कि बहुत खूबसूरत लगता है, 4 चांद लगता है। साथ ही साथ यहाँ पर जब आपका प्लेस होगा TV पैनल दिया हुआ है, TV पैनल जो है आपका पूरी TV वॉल है, TV पैनल नहीं, तो आपका जो है आपका 65 इंची TV लग के भी स्पेस आपको लगता है। थोड़ा सा और अगर हम आगे चले यहाँ पर, अभी फिलहाल मैं आपको जो है ड्राइंग डाइनिंग की तरफ ही लेके जा रहा हूँ, यहाँ की खूबसूरत एक आपको फॉल सीलिंग का नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। एक अलग ही व्यू मिल रहा है इसका, फैन के साथ में जो स्पेस मिलता है और यहाँ बैठ के आप जो अपना एंजॉय करेंगे बेटर है। और बाकी थोड़ा सा आप चलिए, हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो हमारे भी थोड़ा सा हो रहा है कि किस तरीके से आपको चीज़ें बताएं, लेकिन कोशिश है हमारी कि अच्छे से ही सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जाएं। जैसे कि देखिए ड्राइंग डाइनिंग के तो आपने कुछ अपने USPs देख लिए, हाँ जैसे कि बात हो रही थी कि इसमें आपके स्टिल पार्किंग आता है, गेटेड सोसाइटी के अंदर रहने वाला है तो सेफ्टी बहुत बड़ा कंसर्न हो जाती है। तो सेफ्टी से रिगार्डिंग 2-3 चीज़ें आपको बताता हूँ। पहले तो मैं एंट्री डोर पर ही आपको सेफ्टी की कुछ चीज़ें दिखा देते हैं कि देखिए आपको टच सेंसर के साथ में आपको ये डिजिटल लॉक देखने को मिलता है, ये सेंसर टच आएगा, ये देख सकते हैं भाई गोदरेज आने वाला है, तो सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है। और सेफ्टी की बात करें दोस्तों तो ये देखिए बाई CP प्लस आपको वीडियो इंटरकॉम देखने को मिलता है, देख सकते हैं। तो नीचे आपके पूरे कैमरास लगे हुए हैं, ये आपके विसिनिटी के बाहर की ही सारी फुटेज ली गई है, ये वीडियो लगा हुआ है, तो कोई भी अगर बाहर खड़ा है तो उसको चेकआउट कर सकते हैं कि कौन है, कौन आ रहा है नहीं आ रहा है, आप यहाँ से एक्सेस दे सकते हैं, यहीं से आप ओवर दी कॉल भी बात कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई सिक्योरिटी की।
जैसे कि संदीप ने बात की, अभी हम लिविंग की बात की, हमने यहाँ पे वेंटिलेशन की बात की, प्रॉपर सनलाइट मिलेगी, एयर मिलता रहेगा, फॉल सीलिंग की बात हो चुकी है, तो चलिए अब हम बेडरूम्स को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो एंट्री से राइट साइड में हमें यहाँ पे दो बेडरूम्स देखने को मिलते हैं, एक लेफ्ट साइड में आने वाला है। चलिए हम पहले इस बेडरूम को एक्सप्लोर करें, फिर बात करते रहेंगे। तो देखें, ये हो जाता है आपका पहला बेडरूम। साइज इसका अच्छा आने वाला है, साइज हमने सारे नीचे मेंशन किए हुए हैं, आप देख सकते हैं वीडियो में। और ये आपका 3 डोर वार्डरोब आने वाला है। संदीप क्या बोलोगे इस बेडरूम के लिए, अगर जैसे कि क्या साइज सही लग रहा है देखने में, नहीं लग रहा है किंग साइज बेड होल्ड होगा इसमें? मैंने देखा है कि बहुत से बेडरूम में क्या होता है ना, अलमीरा का स्पेस हमें बाहर देना पड़ता है, बट यहाँ पर क्या है ना, इन्होंने अलमीरा का स्पेस जो है ना बहुत बखूबी वॉल सेंटर में किया हुआ है। तो अगर हम देखें यहाँ पर 3 लेयर की अलमीरा, वो भी इस रूम के साथ में आपको मिल जाती है। बाकी वुड क्वालिटी वगैरह सब कंप्लीट है, राघव जी ज़्यादा एक्सप्लेन अच्छा करते हैं मुझसे, तो उन्हें पता है कि यहाँ पर क्या है MRFD जो भी इसके अंदर जो बोर्ड लगा होता है। बाकी ये है कि आपका अटैच बाथरूम के साथ में ये वाला रूम हो गया है, स्पेशियस रूम रहेगा। आपको मैं इसको थोड़ा सा आगे से दिखा देता हूँ, आप एक बार ही नज़र मारिए। ये आपका जो है कॉमन वॉशरूम हो गया है, आप नाइट में से अटैच कर सकते हैं, लेकिन स्पेशियस है, काफ़ी अच्छा स्पेशियस है। आप अगर देखें तो 6x7.5 का स्पेस कहीं ना कहीं आपको मिल जाता है इसके अंदर। ये आपका जो है आपका वॉशिंग एरिया हो गया। बाकी अभी इसके अंदर कुछ चीज़ें, कुछ फिटिंग्स अभी रिमेनिंग है, वो अभी लगेगी तो और इसके अंदर खूबसूरती बढ़ जाएगी। अभी हम थोड़ा सा अगर देखा जाए तो इसमें प्री शूट ही कर रहे हैं इसको। बाकी राघव जी एक बार ये आप देखिए, मैं अगर बात करूँ तो देखिए वॉशरूम दिखा दिया है, वॉशरूम का साइज अच्छा आ रहा है, आपके बेडरूम से कनेक्टिविटी अच्छी मिलती है, मतलब आप दोनों से कनेक्टेड रहने वाला है ये। तो अगर आप लिविंग से करें या आप उसको बेडरूम से भी, डबल आपको एक्सेस मिलता है वॉशरूम का। बाहर अगर आप देखेंगे तो दोस्तों बिग साइज आपको मिरर मिलता है टच सेंसर राइट के साथ में। नीचे आप देख सकते हैं ये आपका थोड़ा स्लैब दिया गया, नीचे कुछ सेक्शंस हैं। हमने वीडियो में भी पूछा था इस चीज को कहते क्या हैं, अगर आपको पता है तो बिल्कुल हमें बताया। संदीप जी आप बता सकते हैं क्या कहते हैं इस चीज को? ओपन ड्रेसिंग मुझे लगता है, ये ओपन ड्रेसिंग है। ओपन ड्रेसिंग कह रहे हैं सर, मेन लोग जो है ना बाहर से बाहर तैयार होकर रेडी होते हैं। आप सोच सकते हैं सर, अगर आप भी बाहर से बाहर तैयार होना चाह रहे हैं तो ओपन ड्रेसिंग समझ सकते हैं, नहीं तो आपको अगर है आइडिया तो बिल्कुल हमें भी बताएं क्या कहते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो अगर ये तो हमने इसको चेक कर लिया है, देखिए टच सेंसर लाइट आ रही है, जला के भी दिखा रहे हैं आपको। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ दोस्तों, देखिए ये हो जाता है आपका किचन। किचन की खूबसूरती ना नेक्स्ट लेवल पर है। अगर आप देखोगे ना एंट्री से पहले ही, ये देखिए सेक्शन को अच्छे से हाईलाइट किया गया है। इसके ऊपर अगर आप ये देखें ना, ये थोड़ा सा अभी पेंट के फिनिशिंग पर है, ये देख सकते हैं हट जाएगा, ये अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे कुछ भी ऑब्जेक्ट्स रखें अच्छा दिखेगा। किचन देखें तो किचन का साइज अच्छा आने वाला है, वैसे हमने सब मेंशन किया हुआ है, ये देख सकते हैं। अगर आप यहाँ एक्सट्रीम राइट में देखेंगे तो डबल डोर फ्रिज के लिए आपको जगह दी गई है। स्लैब देखेंगे वाइट कलर में, स्पार्कल्स आते हैं इसमें। अगर आप ये देखो ना नीचे, तो इसमें अगर जब लाइट जलती है ना तो अच्छे स्पार्कल चमकते हैं। स्ट्रिप लाइटिंग आ रही है जो काफ़ी खूबसूरत लगती है। और क्या मिलने वाला है इसमें आपको, हिंदवेयर का आपको चिमनी देखने को मिलता है, ये भी टच सेंसर होने वाला है, ये देख सकते हैं। कुछ होगा नहीं इसको, साइज इसका अच्छा मिलेगा। एल शेप स्लैब के साथ में आ रहा है, बिल्कुल एक्सट्रीम राइट साइड पे हमारा सिंक एरिया हो जाता है। यहाँ हम ये देख सकते हैं चिमनी लगा है, कुकटॉप आप यहाँ लगाए, अच्छे से प्लेस करें, अच्छा फूड बनाएं, सामने अपना डाइनिंग टेबल लगा हो वहाँ सर्व कर दे फैमिली के साथ, अच्छा फूड एंजॉय करें आप। अगर मैं बात करूँ दोस्तों, देखिए सब मॉड्यूलर आपका वर्क होने वाला है। अगर आप यहाँ देखें तो ये देखिए कुछ आपको डेडिकेटेड आपको सेक्शंस दिए गए हैं, कुछ कटलरीज हैं, नाइफ रखने हैं, स्पून रखने हैं, तो सेक्शंस आपको दिए हुए हैं, तो वेल ऑर्गेनाइज रहती हैं चीज़ें आपकी, सब सॉफ्ट क्लोजर के साथ में। देखें सब HDMR क्वालिटी वुड रहने वाला है, देख सकते हैं। ये देखें क्लोज करके भी आपको चेकआउट कराता हूँ, ये देखें सब सॉफ्ट क्लोजर होता है, वुड सारा HDMR क्वालिटी रहने वाला है। देखिए कुछ सामान जो वर्क चल रहा है ना, वो सब सामान इसमें रखे गए हैं। संदीप इसमें और क्या स्पेशल देखने को मिल रहा है हमें किचन में? जो सबसे अच्छी चीज़ जो लगती है इसमें, तो आपका जो है डबल यहाँ पे
लावा सिंक का बेनिफिट क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि दो मेंबर जो है इसको वॉशिंग करते रहते हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं उनको कंजेस्टेड लग जाती चीजें। फिर स्पेशियस आपका जो है यहाँ पर पूरी किचन है, अपना कोई शॉपिंग कर रहा है, यहाँ कोई डिश वॉश कर रहा है तो जगह यूज होती है, प्लस अगर बिल्कुल यहाँ पर हो किचन को यूज कर रहे हो ना तो दिक्कत होगी नहीं आपको। और क्या चीज देखी है इसमें देखने को हमें मिली है, देखिए यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है। बताएंगे संदीप ये मतलब क्या इसकी मतलब रहेगी, मतलब इसकी यूएसपी तो बहुत ज्यादा बेनिफिट है, आजकल हर किचन में देखने को मिल जाता है। पेंट्री यूनिट आजकल मैंडेटरी हो गया हर किचन के अंदर, छोटे छोटे आइटम आपके यहाँ पर जो है आप प्लांट कर सकते हो, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप ओपन में ले सकते हो, बट ये पेंट्री यूनिट उन सबको यहाँ पर जो है इकट्ठा एकदम से रख सकती है। और साथ ही साथ खूबसूरत लगती है क्वालिटी वाइज भी, वैसे भी आपको बहुत अच्छी चीजें मिलती है। बाकी आइए किचन का तो हमने जो है बहुत सी चीजें कर दी है। हाँ जी, अगर आप यहाँ देखो तो पूरा चिमनी और आपके पास अगर माइक्रोवेव है, सॉरी चिमनी कह रहा हूँ मैं, आपके पास माइक्रोवेव है, ग्रिल है, तो आप यहाँ पे आराम से प्लेस कर सकते हैं। और वेंटिलेशन जो तो यहाँ विंडो दी ही गई है, जैसे कि हम कहते हैं वेल वेंटिलेशन ना हो, फ्लैट में वेंटिलेशन दी हुई है। एंट्री पर अगर आप ये देखें तो देखिए बढ़िया लाइट आपका स्वागत करती है, ये अच्छा लगता है। अब रह जाते हैं संदीप इसके दो रिमेनिंग बेडरूम, चलिए मैं अब आपसे कहूँगा कि कंटिन्यू करें, दोनों बेडरूम को चेकआउट जरूर कराएं, आप बताएं। जरूर जरूर, तो आपको थोड़ा सा मैं एक ये वाला बेडरूम विजिट करा देता हूँ क्योंकि स्पेशियस होने वाला है। साथ ही साथ इस बेडरूम के अंदर बात करें तो आपका तकरीबन 12x10 का स्पेस, वैसे तो बेडरूम जो है 14x10 का है, 12x10 का इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पर एक अपनी जो है वार्डरोब प्लान की गई है, ये भी आपकी 4 डोर की होने वाली है, स्पेशियस रहेगी। फ्लैट के अंदर आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि कंजेस्टेड है, क्योंकि इस फ्लैट के साथ में अगर बात करें इस रूम में हम प्रॉपर खड़े हैं, एक आपका अटैच वॉशरूम हो गया, आप प्लीज़ एक बार वॉशरूम थोड़ा सा आप विजिट करा दीजिए क्योंकि टाइलिंग कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, साथ में आपका मिरर टच पैनल, बाकी वैनिटी प्रॉपर आपको यहाँ पर दी गई है। अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो एक अच्छा खासा डिसेंट स्पेस आता है, और साथ ही साथ अगर देखें क्वालिटी हिंदवेयर की होने वाली है इसके अंदर। अभी अगर मैं बात करूँ इसी रूम में तो यहाँ से भी आपको जो है एक अटैच बालकनी मिलती है, प्रॉपर आपको स्पेस मिलता है, वेंटिलेशन प्रॉपर है, पीछे जो है आपकी यहाँ पर काफ़ी स्पेशियस शाफ्ट दी गई है। अगर मैं बात करूँ इसकी तो स्पेस आपको प्रॉपर यहाँ मिल जाता है, ये देखिए। वेंटिलेशन से किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, क्वालिटी वाइज भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। ये स्पेस जो है काफ़ी इस फ्लैट की यूएसपी भी माना जाता है, अगर इस स्पेस को देखा जाए तो यहाँ आप हर तरह से अपना कुछ ना कुछ यहाँ पर चीज़ें कर सकते हैं, बेड लगाना चाहें आप 4x6 का, कुछ भी आप इस पर चीज़ें कर सकते हैं। आप एक बार इस रूम को और देख सकते हैं। तो दोस्तों ये हो जाता है हमारा 14 बेडरूम, साइज इसका अच्छा आने वाला है, 14x10 स्क्वायर फीट का एक अच्छा साइज मिलेगा, किंग साइज बेड अगर आप ना लगाएं तो भी कोई दिक्कत होगी नहीं। इसकी इन्वेस्टमेंट बहुत है इस रूम की, फॉल सीलिंग चाहे आप देखें अच्छी की गई है, फ्लोरिंग आपको अच्छी दी गई है, फैन तो आपको प्रीमियम लगाई हुआ है। जो इसकी एक और मेन इन्वेस्टमेंट हो जाती है दोस्तों वो है इसके 5 डोर वार्डरोब, ये देख सकते हैं क्या एलिगेंट लगता है, लुक एंड फील देखें आपका, फिनिश देखें इसका क्या एलिगेंट लगता है, ये देखिए रोज गोल्ड पैटर्न में जो इसके आपके हैंडल टाइप आते हैं ना, इसको आप जब आप इसको ओपन करते हो, और ये डीप वार्डरोब होने वाला है आपका, ये देखें स्पेस आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी इसमें, आपको अपना सूट ब्लेजर्स आप आराम से इसमें आप हैंग कर पाएंगे, दिक्कत कोई आपको होगी नहीं। यहाँ तो देखिए स्ट्रिप लाइटिंग भी आ रही है, स्ट्रीट जो है आपकी काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट लगती है। अगर आप यहाँ पर देखें दोस्तों तो ये देखिए आपके ड्रेसिंग के लिए हो जाता है, आपका मिरर आ गया है, ये आपके रोज गोल्ड पैटर्न में है, एलिगेंट लगता है ये देखिए आपको अच्छी जगह मिल रही है, आपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स रखे हैं बाहर, आपका बिग साइज मिरर आने वाला है, अच्छा दिखेगा, बेड आपका आराम से प्लेस होगा, कोई दिक्कत होगी नहीं। इसी और यूएसपी में क्या आ जाता है वो है इसका अटैच वॉशरूम, चलिए चेकआउट करते हैं। ये देखें दोस्तों ये हो जाता है इसका अटैच वॉशरूम, साइज इसका अच्छा आने वाला है, डिसेंट साइज है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं कहेंगे, बहुत छोटा नहीं है, डे टू डे लाइफ के लिए ओके है ये। इसके टाइल बहुत काफ़ी अच्छे हैं, ग्लॉसी टाइल्स होने वाले हैं, अच्छे दिखते हैं। यहाँ वॉश मशीन आ जाता है, ये आपका बिग साइज मिरर आने वाला है, टच सेंसर के साथ में आएगा ये। और अभी इसमें चीज़ें थोड़ी लगनी बाकी हैं, अगर आप देखें तो यहाँ पे सैनिटरी फिटिंग्स जो हैं थोड़ी सी लगनी बाकी हैं, बाथ फिटिंग्स भी लगनी बाकी हैं। तो यहाँ पे आपका शावर आएगा, यहाँ पे आपका कमोड सेक्शन आने वाला है। तो दोस्तों हमने फुल फ्लेज पूरे घर को चेक कर लिया है, शायद हम आपको वीडियो में बताना भी रह गया है कि ये रूफ राइट के साथ में आने वाला है, यहाँ नोएडा अगर बात करें इंदिरापुरम में मेजरली रूफ एक्सेस वाली जो प्रॉपर्टी होती है सबसे ज़्यादा डिमांडिंग होती है,
और इसकी अगर बात करें यूएसपी, ये पूरा अपना ओपन एरिया है ऊपर, अगर रूफ की बात करें तो एक बार हम विजिट करें ऊपर रूफ। बिल्कुल विजिट करते हैं, उससे पहले जो चीजें इसकी रह गई है, जैसे कि बालकनी आपको दिखाना रह गया वो आपको दिखाते हैं। इसमें दो बालकनी आ रही है दोस्तों, एक आपका डबल रोड फेसिंग बालकनी आएगा और एक आपको बैक बालकनी आ रहा है। चलिए पहले बैक बालकनी का एरिया चेकआउट कराता हूँ कि एक्चुअल में एरिया मिलता कितना है इसमें। तो घर ले रहे हैं तो एरिया का पूरा होना चाहिए ये देखें, क्योंकि दोस्तों ये आपकी टॉप की प्रॉपर्टी होने वाली है, रूफ राइट के साथ में है। तो देखिए यहाँ से भी आपको प्रॉपर सनलाइट मिल रही है, हो सकता है एक्सपोज टॉप भी आ रहा हो थोड़ा सा वीडियो, लेकिन देख सकते हैं क्या यूजेबल एरिया मिलेगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा साहिल से थोड़ा पीछे चला जाए और ये एरिया एक बार जज करा दें। ये देखें दोस्तों, इसको कहते हैं एरिया प्रॉपर वेंटिलेशन के साथ में है, यहाँ से आपको सनलाइट भी मिलेगी, वेंटिलेशन भी आएगी, यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है ही नहीं एक्चुअली। देख सकते हैं यहाँ पे जो जितना कंस्ट्रक्शन होना था ये हो चुका है, इसके इधर कुछ कंस्ट्रक्शन बियॉन्ड कंस्ट्रक्शन हो नहीं सकता। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर ये सनलाइट और वेंटिलेशन मिलती रहेगी, ऐसा नहीं है कि यहाँ वेंटिलेशन नहीं होगी, पूरा क्रॉस वेंटिलेटेड फ्लैट रहने वाला है, तो ये एरिया आपको अच्छा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों ये तो हमने चेक कर लिया इसका बालकनी, अंदर चलते हैं और जो लिविंग और जो बेडरूम से बालकनी कनेक्ट आ रहा था उसको दिखाते हैं। आइए दोस्तों अब हम अंदर की तरफ चलते हैं। जैसे कि संदीप ने आपको ये वाला बेडरूम चेकआउट कराया था और आपको बताया भी था कि इस तरफ हमें बालकनी देखने को मिल जाता है, चलिए इस बालकनी को हम चेकआउट कर लें। आइए चलिए चेकआउट कर लेते हैं। देखिए संदीप पहले से बाहर यहाँ वेट भी कर रहे हैं हमारा। तो दोस्तों ये है हमारा वो वाला बालकनी जो डबल रोड को फेस करता है। संदीप कैसा लग रहा है यहाँ से व्यू, ओपन टू साइड बालकनी? व्यू की तो बात अगर करी जाए तो सामने कोई बिल्डिंग आ नहीं रही है, वेंटिलेशन प्रॉपर बनी हुई है, ग्रिल भी दिख रही है, मेन रोड दिख रहा है, सबसे अच्छी बात है। पर हाँ यहाँ तक की अगर बात करें तो आपको जो है सन फेसिंग भी होने वाला है, कहीं ना कहीं आपको धूप की कमी नहीं रहेगी आपके फ्लैट के अंदर। बिल्कुल दोस्तों आपको देखिए, आप देख सकते हैं अभी शाम का टाइम होने वाला है, तकरीबन 5 बज के शायद ज़्यादा ही हो गए होंगे। और आपको मैं अगर दिखाऊं, देखिए सूरज इधर से नीचे आ रहा है, ये वेस्ट फेसिंग का होने वाला है, इधर से आपको वेस्ट की शाम की धूप मिलेगी। शाम है, ऑफिस से आ रहे हैं आराम से, यहाँ इवनिंग टी इंजॉय करें फैमिली के साथ। जी अगर मैं नीचे की बात करूँ दोस्तों, इसकी पूरी फ्लोरिंग जो है ना वुड स्टाइल टाइल्स के साथ की गई है, क्या एलिगेंट लगता है, लुक एंड फील देखो। ऊपर अगर मैं इसकी बात करता हूँ सीलिंग की, ये देखिए ये भी काफ़ी इस पर अच्छा क्राफ्ट किया गया है, अच्छा दिखता है। ग्रिल वर्क है तो सेफ्टी रहेगी। हाइट अगर आप देखें, देखिए हाइट मेरी इतनी आ रही है, घर में छोटे बच्चे हैं तभी भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ गिरने का डर हो, घबराहट कुछ नहीं है क्योंकि हाइट अच्छी आ रही है। नीचे की लेन तो जैसे कि संदीप ने कही आपको चेकआउट करा दी है, देखिए कि आपको डबल साइड रोड फेसिंग मिलने वाला है। तो व्यू यहाँ से आपको बहुत कमाल का मिलता है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है ही नहीं, ओपन टू स्काई बालकनी है। तो चलिए अब छत पे चलते हैं, एक बार इसका रूफ दिखाते हैं आपको कि क्या आपको एरिया मिलेगा। आइए अब आ गए हम इस पे रूफ पे। अगर हम देखें तो आपकी स्क्वायर पूरी रूफ का एरिया होता है, और साथ ही साथ अगर रूफ की अगर बात करें तो फ्लैट का एरिया प्लस आपका रूफ का एरिया 4000 स्क्वायर फीट आपको मिल जाता है यहाँ पर। इन फ्यूचर ऐसी बनी है कि आप यहाँ पर कुछ बना नहीं सकते हैं, हाँ आप अपना टेम्परेली कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, बाकी आपकी जो पूरी रूफ है कहीं ना कहीं आपको एक बहुत प्लस पॉइंट देती है, जैसे कि आप इस पर कुछ पार्टी वगैरह कर सकते हैं। क्यों राघव जी, बिल्कुल इतना स्पेस है आपका कि अगर आपकी 25 से 30 लोगों की गैदरिंग है ना, आप आराम से यहाँ होल्ड कर पाएंगे उनको, क्योंकि इतनी जगह देख सकते हैं आप। और उसकी कुछ और यूएसपी में बात करूं दोस्तों, तो नीचे देखिए पहले से ही इसमें टाइल वर्क करा के दिया गया, ऐसा नहीं है कि इसको जैसा एज इट इज नहीं छोड़ा गया है। अगर आप इसको करवाते तो आपका अलग से कॉस्टिंग आती, लेकिन यहाँ पर ये कॉस्टिंग आपको लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, विद वाटर प्रूफिंग की गई है इसमें। अगर मैं बात करूँ, ये देखिए इस पर भी जो अपनी हाइट आ रही है ना, इसमें भी हाइट देखिए ऊपर तकरीबन 4 फीट करीब करीब इसकी हाइट आती है। तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ खड़े हैं तो आपको घबराहट हो रही है, कुछ नहीं है, हाइट अच्छी आ रही है। यहाँ पर देख सकते हैं आपके थिक वॉल बनाए गए हैं, ये पूरा का पूरा आपका ये शाफ्ट का एरिया हो जाता है, जो नीचे आपको पूरा प्रॉपर एयर आ रहा है। ये देखिए ये यूजेबल एरिया आपको देखने को मिलता है दोस्तों। तो अगर आप प्रॉपर्टी एक ऐसी चाह रहे हैं कि जिसमें इन्वेस्टमेंट ऐसा हो कि 3 BHK आपको नीचे मिल जाए, जो कि बिग साइज आपका ड्राॅइंग रूम के साथ में आ रहा हो, एल शेप में आ रहा हो, किचन अच्छा हो जिसमें फुल्ली लोडेड किचन हो, रूम साइज अच्छे आ रहे हो और रूफ राइट के बेनिफिट चाहिए, तो बिल्कुल इस प्रॉपर्टी को आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। गेट के अंदर आता है सिक्योरिटी बढ़ जाती है, प्लस हमने आपको सारी चीज़ें बताई। तो दोस्तों ये हमारा फ्लैट था जो हम आपके लिए लेके आए थे। प्राइसिंग की अगर हम कहीं ना कहीं बात करें तो इसकी प्राइसिंग हम कितनी तकरीबन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कि जैसे कि क्लाइंट किस बजट वाले इसको देख सकते हैं या किन के लिए आप रेफर करोगे?
सर मैं तो यही चाहूँगा कि हर बजट का इंसान हो उसके बजट में चीज़ें आएँ, बट फिर भी 4 BHK आज की डेट में अगर मैं महिंद्रापुरम की बात करूँ, वैशाली की बात करूँ, वसुंधरा की बात करूँ, तो 1.5 करोड़ से नीचे नहीं आता है, ऊपर जाता है। बट ये आपका कहीं ना कहीं 1.5 करोड़ तक ये प्रॉपर्टी बनने वाली है। और साथ ही साथ कैमरे के पीछे जो साहिल जी हैं, साहिल जी मैं आपसे ज़रा रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा आसपास के एरिया को दिखाइए प्लीज़, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर छत पे आके, थोड़ा सा लगता है रूफ पे कि हम रूफ कहीं आए हुए हैं, और बहुत ही वो व्यू की बात करें तो बहुत प्यारा व्यू मिलता है। साथ में आपका ये आपका इंद्रापुरम पब्लिक स्कूल भी नियर बाई है, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ इस लोकेशन पर कुछ कमी है, क्यों राघव जी? बिल्कुल, तो लोकेशन पर कोई कमी नहीं है। अगर बजट भी कहीं ना कहीं आपका बजट आप एक लेके चल रहे हैं कि 1.5 करोड़ से अंदर अंदर आप एक ऐसी प्रॉपर्टी चाह रहे हैं जिसमें आपको रूफ राइट के बेनिफिट मिले, अच्छा रूम साइजेस मिले, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ सकती है। तो हमने नंबर डिस्प्ले कर दिया है, अभी इसकी करंट प्राइसिंग के लिए आप नंबर पर आप कॉल करें और इसकी प्राइसिंग ज़रूर लें। विजिट करने के लिए भी नंबर डिस्प्लेड है, प्लस हमने इसमें अपना प्रॉपर्टी कोड लगाया हुआ है ताकि जब आप कॉल करते हैं अपना प्रॉपर्टी कोड बताएं, ताकि हमें भी आसानी होगी कि आप कौन सी प्रॉपर्टी की डिटेल चाह रहे हैं। तो हमारी जो सेल्स टीम है, डेडिकेटेड सेल्स टीम है, वो आपको असेस करेगी। जरा हमारे सेल्स टीम के बारे में थोड़ा सा आप बता दें, किस तरीके से हम लोग वर्क कर रहे हैं आजकल? हमारा वर्क बहुत स्मार्ट हो चुका है। आप हम पे क्वेरी कीजिए, हमारे नंबर पे आप क्वेरी करेंगे तो पहले हम आपकी जितनी भी जो भी क्वेरीज है, जो भी जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है, हम पहले उसको आसानी से सुनेंगे, समझेंगे। उसके बाद में हम अपने एक डेडिकेटली हमने सेल्स स्टाफ रखा हुआ है, हमारे सेल्स टीम जो है फिर आपकी जो है ये सारी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है फुल फ्लैश करके आपको जितने भी हमारे पास यूनिट्स वगैरह हैं वो हम आपको शेयर करेंगे और विजिट कराएंगे आपके लिए। अगर सैटरडे संडे में पॉसिबिलिटी बनती है या वीकडेज में पॉसिबिलिटी बनती है तो हमारी टीम आप मॉर्निंग 10 से लेकर आपका 8 बजे तक यहाँ पर वर्किंग है, इंद्रापुरम, वैशाली, वसुंधरा और नोएडा एक्सटेंशन। क्यों राघव जी, सही कहा? बिल्कुल सही कहा। तो दोस्तों अगर आप चाह रहे हैं इसको विजिट करना और सही प्राइस में चाह रहे हैं, पैसे बचाना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल नंबर पर आप कॉल कर लें, विजिट प्लान आउट जरूर करें। चलिए मिलते हैं आपसे किसी और नए फ्लैट में, किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।